Now listen friends, before we start the video, please press the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. Hello guys, what's up? Welcome back to the my channel, my new video. So guys, actually आज मैं होम वर्कआउट ब्लॉग नहीं डालने वाला था, बट मैं नीचे जाके कुछ और ब्लॉग शूट करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी एक्टिवा लेके चली गई. सो अब मैं नीचे जा नहीं सकता क्योंकि एक्टिवा है नहीं. तो मैंने सोचा होम वर्कआउट ब्लॉग डाल देता हूँ. एंड उससे पहले एक बात बोल दूँ, आज जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ना, ये हेडफोन से हो रही है, ना कि उस माइक से, ठीक है? क्योंकि वो बीच बीच में वर्कआउट करूँगा तो बोलना होगा, तो सोचा ऐसे सीधा बोल दूँगा, नहीं तो वापस माइक डालो, वो सही करो, फिर बोलो, तो जमता नहीं, खिचखिच होती है. तो सीधा ऐसे कनेक्ट है, जब तक गाना सुनना हो गाना सुन लूँगा, बाद में यहाँ से प्रेस करके वापस वही चालू हो जाएगा माइक. तो एक सीन ये था. और एंड गाइस, सेकंड एक चीज़ और बोल दूँ वर्कआउट चालू करने से पहले, ये मेरी जिम बैग है. अब बोलोगे दीक्षित जी, जिम बैग कहाँ से दिखती है भाई? स्कूल बैग ही है. नहीं गाइस, ये स्कूल बैग नहीं है, ये मेरे लिए ट्रैवलिंग बैग भी है, स्कूल बैग भी है, जिम बैग भी है. मेरे लिए बहुत कुछ है ये, क्योंकि ये बैग जो है ना मेरे साथ 6 साल से है, ठीक है? 6 साल से मैं बम्बई, अहमदाबाद, अब वैसे करके दिल्ली बहुत जगह गया हूँ, उसको लेके गया हूँ, ठीक है? और इसके साथ भी बहुत सीन हुआ है मेरे साथ, वो बताऊंगा नहीं अभी, बहुत थोड़ा पर्सनल है, बाकी आगे जाके बताऊंगा मैं. बाकी अभी इसके अंदर जो सामान है वो मेरे जिम का सामान है, तो आपको एक दो चीज़ दिखा दे, जब आपने अपना वर्कआउट चालू करते हैं. पता नहीं गाइस, मेरे शूज़ जिम के कितने बोलते हैं, कितने 3 महीने हो गए होंगे ना, लॉकडाउन 3 महीने से प्लस हो गए. सो मेरे पता नहीं वापस ये कब पहनूँगा अपने जिम में, और कब पहन के वापस अपने धमाल बचाएंगे जिम में. एंड ये टोपी, बिकॉज अभी देख रहे हो मेरे बाल, इट्स कमिंग इन माई नोज एंड टचिंग ऑन माई नोज एंड लिप्स. सो ये टोपी काम आती है, एक दो टोपी थी, एक टोपी पता नहीं कहाँ है, पता नहीं किसने निकाली हुई भाई ने. सो एक ये टोपी थी, एंड एक और टोपी थी जो मैं बैग में रखता हूँ, कि कभी भी ऐसे टांग देता हूँ, कि ऐसे टांग देता हूँ कि आँखों में बाल नहीं घुसे मेरे. एंड ये मैं ग्लव्स, सो क्योंकि यहाँ पे जो हो जाता है ना, अपने बोलते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए. और ये एक अच्छा सा, ये देखो ग्रिप अच्छे से पकड़ लेते हैं यहाँ पे. एंड एक सीन बताओ, ये देखो ये लॉकडाउन के बोलते हैं जनवरी में या फेब में मेरे साथ ये हुआ था. एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर गया था, एंड मैं अपने बैग एक्टिवा पे भूल गया, और एक्टिवा पे जो बैग थी वो कुत्ते लेके चले गए मेरे बैग. सो कुत्तों ने कुछ किया नहीं, खाली इसको यहाँ का अंगूठा खा गए, सॉरी यहाँ वाला जो है ना, यहाँ का अंगूठा खा गए. और फिर देखा तो फिर से ये फटा हुआ था, और बाकी सब सही था. तो कोई नहीं, नया ले लेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, अंगूठा नहीं है तो क्या हुआ, अपने को यहाँ की जरूरत नहीं, अपने को यहाँ की जरूरत है, और यहाँ की जरूरत है, तो इससे काम हो जाता है. और भी कुछ है यहाँ पे, और यहाँ पे वो बताऊँगा नहीं अभी. और इसके साथ ये मेरे बहुत काम आई है, किस चीज़ के लिए काम आई अभी नहीं बताऊँगा मैं, अभी इसको लेके जाऊँगा ट्रैवलिंग में आगे, तब बताऊँगा अभी. तो अभी बस इतना ही है, अभी इसको पहनने की जरूरत नहीं, इसको अंदर डाल देते. अच्छा, इसके अंदर वो नैपकिन भी होता है, वो अंदर रखा हुआ है अभी. तो ये कुछ चीज़ें थी मेरे जिम में काम आती है, और भी ऐसे बोतल होती है वो BCAA की, वो सब वो भी बाद में दिखाऊँगा. सो अभी वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद मैं सोचा प्रोटीन भी पीऊँगा, प्रोटीन कौन सा है वो भी बताऊँगा, एंड अच्छे से बताऊँगा, अच्छे से नहीं बताऊँगा, बस ऐसे जनरली थोड़ा सा ऐसे क्विक में बता दूँगा. और मैं बाद में लूँगा ना, अच्छे से ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा, मंगाऊँगा, जब जिम खुल जाएगा तब मैं अच्छे से बताऊँगा ये कौन से ब्रांड का है, कैसा नहीं है, मैं कौन सा लेता हूँ, वो बाकी बाद में बात करेंगे. अभी होम वर्कआउट चालू करते हैं. सो आज मैं ट्राइसेप मारने वाला हूँ, ट्राइसेप में मैं 6 सेट मारने वाला हूँ, क्योंकि घर पे केबल नहीं है, बेंच नहीं है, सो कुछ चीज़ें होगी नहीं, बट मैं 6 सेट जो होते हैं वो मारूँगा. मैं 3 महीने से मार रहा हूँ, वही सेम चीज़ मारूँगा यहाँ पे भी. सो चलो. सो गाइस, पहली एक्सरसाइज के लिए अपने को कोई डंबल रॉड की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को पलंग की जरूरत है. ओके गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, तो सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे फ्रंट एंड देन रिवर्स. ठीक है, सो दोनों मतलब
सेकंड और थर्ड एक्सेस दोनों से दो सौ हो जाएगी। सो नाउ लेट्स बिगिन। रिवर्स, रिवर्स के लिए वो सेम खाली हाथ ऐसे से इसको ऐसे कर दिए, रेस्ट ऑफ ऑल रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम। सो गाइस, फोर्थ एक्सेस पे अपने बढ़े, उससे पहले मैं एक बात बोल दूँ, मैं ना रेपिटेशन मतलब सेट में 6 मार रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं दो दो सेट मार रहा हूँ क्यों, ठीक है, और रेपिटेशन में एवरेज के हिसाब से 30-30 मार रहा हूँ, ठीक है। सो मैं 3 सेट नहीं मार रहा हूँ, 2 सेट मार रहा हूँ खाली, वो भी 30-30 के, ठीक है। सो एवरेज के हिसाब से मैं 30 ही मारता हूँ, बट आपको मैं सिर्फ 10 ही दिखा रहा हूँ, 10, 8, 12 के अंदर अंदर ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो 30-30 बताया मैंने तो ब्लॉग 15 मिनट तक पहुंच जाएगा और आपको बोर मारेगा। सो जितना क्विकली मैं अच्छे से बताऊं आपको उतना अच्छे से, ठीक है। सो दैट्स इट, अभी चलते हैं अपने फोर्थ फिफ्थ, चलो 2-3 और बाकी वो पटा लेते हैं, फिर प्रोटीन पे पीते हैं, फिर देखते आगे क्या करते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन आवर फोर्थ एक्सरसाइज। अपने मस्त बिलन पे बैठे करो, खड़े करो, स्टूल पे बैठे करो, मैटर नहीं करता, क्योंकि हाथ को अपने को ट्राइसेप पे स्ट्रेस आना चाहिए। सो मैं तो बिलन पे बैठ के कर रहा हूँ आराम से। फिफ्थ एक्सरसाइज अपने को सिंगल नहीं है, फुल दो हाथ से पकड़ना है, देन ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स लास्ट 6 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक दिस एक्सरसाइज। सो गाइस, दिस वाज इट, ये 6 एक्सरसाइज थी जिससे आपका घर पे बैठ लिए एकदम अच्छे से पंप आ जाएगा। अभी तो पंप इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे मजा आती है ये करने में, ये 6 एक्सरसाइज मैं करता हूँ अगर जिम ना हो तो। सो इतने से तो अच्छा ही है ना, कुछ ना करने से तो कुछ अच्छा ही है, तो बस वही बात है। तो भी हो गया एक्सरसाइज, मैं मुंह धो लेता हूँ एंड देन बाद में प्रोटीन की बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो वर्कआउट इज कम्प्लीटेड एंड राइट नाउ इज 7 o'clock। मैंने कुछ वन एंड हाफ आवर मैंने वर्कआउट होता है रोज का ही है। सो मैंने फ्रेश हो गया, उसको अभी पीते अपना प्रोटीन। सो जो प्रोटीन की मैं बात कर रहा था वो प्रोटीन ये है मसल बेस का, ठीक है। सो इसको भी मैंने लॉकडाउन के 1-2 दिन पहले मंगाया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो इसको मैं प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाया। सो इसकी फ्लेवर, ब्रांड, प्राइस, मिक्सअप बता देता हूँ, 3-4 चीज़ बताऊँगा खाली, इसका जो रिज़ल्ट है वो अभी नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि मैंने भी इसको अच्छे से अभी तक यूज़ नहीं किया, अच्छे से मैंने इसको खाया नहीं है, तो मुझे खुद को नहीं पता इसका रिज़ल्ट क्या है और क्या नहीं है, क्या है, तो आपको कैसे बोलूँ मैं, ठीक है। तो ये लॉकडाउन जब हटेगा तब मैं अच्छे से एक मेरा शेड्यूल बनाऊँगा, ट्रांसफॉर्मेशन बनाऊँगा पूरा, तब मैं एक अच्छा प्रोटीन मंगाऊँगा मैं। सो ग्रुप प्रोटीन का एकदम अच्छे से रिव्यू करूँगा, एक अच्छे से अनबॉक्स करके अच्छे से एकदम बोलते हैं ना प्रॉपरली बताऊँगा मैं, ये रफली ऐसे बता रहा हूँ मैं। सो गाइज, ये है मसल ब्लेस का जो मैंने अमेजोन से मंगाया था, ये कुछ 2000 का है, ठीक है, एंड इट्स चॉकलेट फ्लेवर है, यस चॉकलेट फ्लेवर है, एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 25 ग्राम प्रोटीन है, 5.5 केजी कार्ब्स है, 11.7 ग्राम एग्स है, एंड देन एड्स विटामिन है,
एंड ये कुछ फीचर्स थे एंड बाकी यहाँ पे इतने सारे वो आपको अभी पढ़ के बताऊँगा, लंबा हो जाएगा। एंड बस इसका रिजल्ट तो मैं अभी नहीं बताऊँगा, रिजल्ट बाद में बताऊँगा मैं। सो अभी इसको पीते हैं एंड थोड़ा मज़े लेते हैं। अब मैं वैसे तो पीता नहीं हूँ होम वर्कआउट में, बट आज पता नहीं मेरे को मन हो रहा है सो मैं पी रहा हूँ। एंड ये कुछ ज़्यादा ठंडा पानी नहीं, वैसे ठंडे पानी में पीता हूँ बट इतना भी ठंडा नहीं है, ये नॉर्मली अपना मीडियम ही ठंडा है। सो 2 ml वाटर के अंदर 1 scoop दोनों वाइब, बट मुझे बहुत इच्छा हो रही है आज पीने की, मुझे इसकी प्यास लग रही है आज। सो अभी पीते होगा क्या मैं आपको बताऊं, बस थोड़ा मिक्सअप कर लेता हूं फिर आपको बता दें इसका मिक्सअप कैसे। नॉर्मली विद इन 15 to 20 seconds में ये हो जाता है, हो भी गया, मिल गया, एकदम सिंपल एंड शॉर्ट। अच्छा है, टेस्ट है, सब कुछ अच्छा है, प्राइस अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है, खाली रिजल्ट मेरे को तो अभी तक मेरे को थोड़ा बोलते हैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ इस चीज़ से, बट थोड़ा आपको ऐसा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा कि मैं आपको भी बोलूँ कि आप भी जाके ले लो, ठीक है। तो ये लेने के लिए मैं बाद में करूँगा। सो बस गाइज इतना ही था आज के ब्लॉग में, सो नाउ आई एम गोइंग एंड लेट्स एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मस्ट लाइक, एंड अगर बोर हुआ हो, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, एंड यू ऑल्सो कमेंट अगर बेकार भूला जैसा तैसा जैसा भी लगा यू कैन कमेंट। एंड आई विल मीट यू माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देट बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स। ऐसे गाइस कोई भी प्रोटीन हो थोड़ा सा तो कड़वा होता ही होता है, टेस्टलेस होता ही है।